इस वीडियो में दिखाया गया है कि रिगर जो लिफ्टिंग करता है, तो जो मैनुअल लिफ्टिंग होता है, जो हम मैनुअल लिफ्टिंग करते हैं, उसके लिए कौन कौन सा इक्विपमेंट चाहिए। जिस तरह क्रेन हाइड्रा इक्विपमेंट्स लिफ्टिंग करते हैं, उसी तरह हम जो हाथ से जो मैनुअल लिफ्टिंग करते हैं, उसके लिए कौन कौन सा इक्विपमेंट चाहिए हमें, और कौन से इक्विपमेंट से किस तरह का लोड हम लिफ्ट करेंगे, और उस इक्विपमेंट का नाम क्या है, इस वीडियो में यही बताया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ यार इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो बगल में बेल आइकन की घंटी दिख रही है उसे प्रेस कर दें, ताकि जो अगला वीडियो है आप तक पहुंचे और आपको और भी कुछ ज़्यादा जानकारी मिल सके। चैन होइस इक्विपमेंट, चैन होइस से, यानी कि जिसे हम चैन ब्लॉक कहते हैं, चैन ब्लॉक से, चैन होइस से हम किस तरह का लोड को लिफ्ट कर सकते हैं और कैसे करते हैं। चैन ब्लॉक, चैन होइस से जो है हम कोई भी लोड, कैसा भी लोड हो, उसको लिफ्ट कर सकते हैं, चाहे वो वर्टिकल हो, चाहे 45 डिग्री में हो, चाहे कोई टेंशन में हो, कैसा भी लोड हो उसको हम उससे चैन ब्लॉक से लिफ्ट कर सकते हैं। जहाँ पे क्रेन नहीं होता है, जहाँ पे क्रेन जाने का जगह नहीं होता, हाइड्रा जाने का जगह नहीं होता है, रेक जो होता है उसमें हम अक्सर ज़्यादातर मतलब चैन ब्लॉक यूज किया जाता है, और उससे जो है अपना लोड जो है लिफ्ट किया जाता है। चैन ब्लॉक यूज करने से पहले हमें उसका चैन होइस, उसका आरिया चैन, उसका हुक, उसका सेफ्टी लॉक, उसका जो गेयर बॉक्स है, गेयर बॉक्स सब चेक करना चाहिए, और चेक करने के बाद ही कोई भी लोड, कोई भी लिफ्ट करना चाहिए। और लिफ्ट करने के टाइम में चैन होइस को जो है, चैन ब्लॉक को जो है, दो आदमी मिल के नहीं खींचना चाहिए। अगर दो आदमी आप खींचते हैं तो उससे क्या, गेयर बॉक्स जो है वो डैमेज हो सकता है, टूट सकता है, इससे हमारा जो लिफ्ट है, जो लोड है, वो स्लिप होके नीचे आ सकता है। इसलिए कभी भी एक ही आदमी को चैन ब्लॉक जो है टाइट करना चाहिए, जो उसका आरिया चैन है उसे भी चेक कर लेना चाहिए कि सही है कि नहीं है, और उसके बाद यूज करना चाहिए। दूसरा आता है कमल लॉन्ग, यानी कि टाइफर। हम लोग जो है बहुत आदमी टाइफर बोलते हैं, लेकिन वो कमल लॉन्ग है। तो जो कमल लॉन्ग है ये आता है कोई भी लोड को जो है वर्टिकल लिफ्ट करने के लिए। अगर जिस तरह हम चैन हो इससे, चैन ब्लॉक से किसी भी पोजीशन में, टेंशन में, वर्टिकल में लिफ्ट करते हैं, वैसे हम कमल लॉन्ग से यानी टाइफर से हम लिफ्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हम उससे सिर्फ वर्टिकल पोजीशन में ही लिफ्ट करेंगे, या अगर हॉरिजेंटल में कोई लोड है उसको खींच सकते हैं, पुल कर सकते हैं, और नहीं तो जो है कोई लोड है उसको बैलेंसिंग के लिए सीलिंग में, जैसे कि हमारा जो लोड है बैलेंस नहीं मिल रहा है, तो सीलिंग में उसको लगा करके बीच में, और उसको जो है बैलेंस के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो चैन है, इसका जो चैन होता है छोटा होता है, 2 मीटर 3 मीटर का ही होता है, तो जो है हम इससे सिर्फ वर्टिकल लिफ्ट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में जो है उसको उससे पुल कर सकते हैं और बैलेंस लोड कर सकते हैं। तीसरा आता है टाइफर, यानी हैंड बेंच मशीन, जिसको हम हुकचुक बोलते हैं। उससे जो है हम कोई भी लोड को पुल कर सकते हैं, कोई भी लोड को पुल कर सकते हैं। उसमें जो है बेंच मशीन में जो हैंडल होता है उसको लगा के हम ऐसे, जब लीवर को उसको चलाएंगे तो जो लोड है हमारा वो पुल होगा, और जब स्लिंग को हम लूज करेंगे तो फिर वो वहीं पे रिलैक्स हो जाएगा। वो ये जो तीन होइस इक्विपमेंट है, मैनुअल होइस इक्विपमेंट है, इससे हम कोई भी लोड को लिफ्ट कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, बैलेंस का जो है वो बैलेंसिंग कर सकते हैं लोड को। अगर हमारे पास क्रेन नहीं है, हाइड्रा नहीं है, तो इससे जो है हम वो इस इक्विपमेंट से, चैन होइस से या चैन कूलर से या हुक चुक से हम अपना लोड को जो है लिफ्ट कर सकते हैं।